हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सवीरा ब्लॉग्स। तो आपने अगर तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो आज है थर्सडे और हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ और वार्म अप करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो जिम आज भी खाली है और हमेशा आफ्टरनून में जिम थोड़ा खाली रहता है तो इजी होता है वर्कआउट करने के लिए। तो अब मैं वर्कआउट में एप्स को भी ऐड कर रहा हूँ ताकि फुल बॉडी का वार्म अप हो सके। तो एप्स भी इसमें हैं, एप्स में करता हूँ वार्म अप में, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करता हूँ, स्क्वाट्स भी मारता हूँ कभी कभी एज अ वार्म अप। तो अब वार्म अप के बाद थोड़ी सी साइकिलिंग की जाए। साइकिलिंग जैसे मैंने पहले भी बताया था मेरे पुराने वीडियो में, जो आप देख सकते हैं, जो सिर्फ मैंने अपने जिम के ऊपर बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं एज अ वार्म अप फॉर 10 to 15 मिनट्स। साइकिलिंग करते वक्त आप अपनी एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन रख सकते हैं और इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम स्लो टू हाई और हाई टू स्लो। अब साइकिलिंग करने के बाद मैं अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। तो ये मैंने डंबल से स्टार्ट किया है। ये मेरा फेवरेट ट्राइसेप्स वर्कआउट है। इसके आप 3-3 सेट एक साथ कर सकते हैं और जो वेट है उसको आप पहले कम वेट से स्टार्ट कीजिए और फिर ज़्यादा वेट लगाएं। ये मैंने ज़्यादा वेट इसलिए लगाया क्योंकि मैं इतने वेट से ही स्टार्ट करता हूँ। ट्राइसेप्स और बाइसेप्स वर्कआउट साथ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बाइसेप का एक वर्कआउट ट्राइसेप के साथ में कर सकते हैं, ना कि कंप्लीट वर्कआउट, क्योंकि जब भी आप ट्राइसेप और बाइसेप एक साथ करते हैं तो आपकी मसल डेवलप नहीं होती है। तो आप हमेशा ऑल्टरनेट डेज के लिए ही करें, या तो अगर आप आज कर रहे हैं ट्राइसेप्स तो कल बाइसेप्स ना करें, ऑल्टरनेट छोड़ के करें। तो केबल के साथ में भी ट्राइसेप्स के काफ़ी सारे वर्कआउट हैं, डंबल्स के साथ में भी हैं। तो आप मैं आपने जो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो वर्कआउट भी आप ट्राई कर सकते हैं फॉर ट्राइसेप्स। थोड़ा सा थक गया हूँ तो बस रेस्ट ले रहा था। और कर्ल रॉड के साथ में भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं फॉर ट्राइसेप्स। तो बहुत सारे डिफरेंट वर्कआउट्स हैं ट्राइसेप्स के, तो ट्राइसेप मसल्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आप कर सकते हैं उनको, या तो आप उनके 3-3 सेट या 2-2 सेट मार सकते हैं। अगर 3 सेट मार रहे हैं तो 2 बार मारिए, और अगर 2 का सेट मार रहे हैं तो 3 बार मारिए। मेरे जिम में आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा आफ्टरनून में, क्योंकि सारे लोग या तो शाम को आते हैं या फिर सुबह आते हैं, तो दोपहर का वक्त काफ़ी हमें मिलता है वर्कआउट अच्छे से करने का। जिम को साइनिटाइज किया हुआ है और अच्छे से सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केबल से एक और वर्कआउट ट्राई किया है जिसको आप एक्सटेंड करके कर सकते हैं। वेट उतना ही लीजिए जितना आप लेकर कर सकते हैं। तो ये जो है मेरा लास्ट वर्कआउट है फॉर ट्राइसेप्स।
जिसको आप इस तरह कर सकते हैं। इसके आप या तो 2 सेट या 3 सेट मारिए। जो वेट मैंने दिया है वो दिया है 40 kgs का, और अगर आप चाहें इस वेट के साथ में भी 2 सेट लगा सकते हैं, या फिर आप एक ही सेट कर सकते हैं विद मैक्सिमम वेट। बट ट्राइसेप्स जो मसल है, वी डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपकी ट्राइसेप मसल्स को भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो जितना वेट आप ले सकते हैं उतने वेट से ही आप कीजिए। तो अब 40 से हम जाएंगे 60 kg की तरफ, इसलिए मैंने 10-10 kg का 2 प्लेट लगा दिए हैं, और मैं इसका सिर्फ एक लास्ट सेट मारूंगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो ट्राइसेप्स मैंने की है, अभी मेरे ट्राइसेप्स करे हुए रिसेंटली थोड़ा सा टाइम हुआ है, और मैंने लॉकडाउन के टाइम पे जब हम जिम नहीं गए पाए थे, तो जब से जिम खुला है तब से मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट। तो होपफुली तो बस यहीं तक मैंने आज अपना ट्राइसेप का वर्कआउट प्लान किया था जो अब ख़त्म हो रहा है। तो आप और भी वीडियोस देखेंगे इन कमिंग वीक्स ऑन जिम। तो अब है जिम से जाने का वक्त, तो मैं अपने जिम ग्लव्स खोल रहा हूँ, और साथ में आल्सो और अपने जितने भी मेरे ग्लव्स हैं, दोनों ग्लव्स, उनको मैं डिसैनिटाइज कर रहा हूँ, और बैग को भी, ताकि बैग और जितने भी चीज़ें मैं साथ में लेके आया था सब सेफ़ हों जब मैं वापस घर जाऊँ, क्योंकि आयान और इनाया हैं वो हमेशा मुझे तंग करते हैं, मेरे बैग चेक करते हैं जब जिम से वापस जाता हूँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो सब साफ़ सुथरे हों। आपको सिर्फ जिम करते वक्त 1 सिप पानी पीना है, और जिम के बाद आप थोड़ा पानी ज़्यादा पी सकते हैं, बट आप ज़्यादा पानी ड्यूरिंग वर्कआउट मत पीजिए। तो मैंने अपना सारा सामान ले लिया है और बैग में डाल दिया है, जिम के बैग में। अब मैं जैकेट पहन रहा हूँ। आप विदाउट जैकेट जिम करने के बाद बाहर ना जाएं, ताकि आपकी बॉडी जो है, जो जिम करने के बाद काफ़ी स्वेट हो जाती है, तो वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए दोपहर बाहर धूप में। तो एक जैकेट पर ज़रूर पहने, अपने आप को अच्छे से कवर करें। थोड़ा सा एक 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप जिम से निकलें। मास्क पहन लें, गाड़ी की चाबी मैंने ले ली है, और अब मैं जिम से जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी वीडियोस